इदारे ने तो बढ़ना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि मुझे किसी ने कहा हुआ है कि इसने बढ़ना ही बढ़ना है, इसने वहां तक जाना है जहां शायद मुझे भी नहीं पता और बाकी टीम को भी नहीं पता। लेकिन उसके लिए क्या हमारी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए? देखिए, ये डिजिटल एरा है, इस वक्त लोग पिछले कई सालों से शुरू हो चुका है, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 7 साल पहले ये करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब स्किल सेट ही बदल रहा है पूरे का पूरा। एक तरफ आपको इलेक्ट्रीशियन, एक तरफ प्लम्बर और बाकी तमाम चीज़ें वो चलती रहेंगी निज़ाम में, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा इनकलाब आ रहा है, और सिंस हम कोई मोर देन 66% जो यूथ है हमारी, जो आबादी है, उसको कहाँ लेके जाना है हमने? तो मैं समझता हूँ कि ECI को भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है डिजिटल स्किल्स के इस शोबे के अंदर, और ऐसी टीम बनाने की ज़रूरत है जिसे अजबर हो ये सारी चीज़ें, ऐसा सेटअप जैसा कि ये स्टूडियो है, इसी तरह के और स्टूडियोज बनाने की ज़रूरत है, ताकि हम घर घर पहुँच सकें, मोहल्ले मोहल्ले पहुँच सकें और लोगों की स्किल्स को बेहतर कर सकें, तभी जाके हम कह सकते हैं कि हम लोगों को उस रोज़गार की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि दुनिया में रिकॉग्नाइज हो रहा है। अदरवाइज बाकी कन्वेंशनल चीज़ें तो सारी की सारी चल रही हैं। इसके अलावा ECI को अपने जो पुराने तजर्बे हैं, जिसमें एंटरप्राइज डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है, लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग है, फाइनेंशियल लिटरेसी की ट्रेनिंग है, डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग है, इनको भी डिजिटाइज करना चाहिए। ओपन कोर्सेज होने चाहिए जिस पर जो चाहे जिस वक्त लॉग इन हो, पैसे अदा करे थोड़े बहुत और उस कोर्स से गुजरे, और वो कोर्सेज सर्टिफाइड होने चाहिए। ECI को अगले 10 सालों में कम अज़ कम रीजन में मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कोलैबोरेशन में जाके प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। अगर होप्स की बात की जाए, सो होप्स आर वेरी हाई। पिछले डिकेड में ECI के क्रेडिट पर बहुत अच्छे और मेगा लेवल के प्रोजेक्ट्स पे हम लोगों ने काम किए, एंड माशाल्लाह ऑफ कोर्स क्रेडिट गोज़ टू द वंडरफुल टीम, एंड दे डिड अ रिमार्केबल जॉब, एंड आई रियली होप कि इन्हीं फुटप्रिंट्स पर चलते हुए अगले डिकेड में ECI विल रिवॉल्व अराउंड एक्सपेंडिंग एक्सेस, इम्प्रूविंग इंटरवेंशंस थ्रू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजीज। जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो एज़ यू नो दैट कि पिछले कई सालों से जो है वो हम डिजिटली रिकॉग्नाइज्ड इदारा हैं, और आने वाला जो एरा है वो तो है ही डिजिटल का। सो हमारा जो फोकस होगा इंशाल्लाह वो सारा ई बिज़नेस और डिजिटल अपस्किल्स पर होगा, एंड आई बिलीव कि ECI का एक अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ऑल दो कि अभी भी है बट वो एक रेंटल मॉडल पर है, बट इंशाल्लाह हम जो है वो आगे चलकर एक अपना LMS जो है वो इनिशिएट हम करने जा रहे होंगे, और जिस पर जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद आकर सेल्फ रजिस्टर्ड अपने आप को करेंगे, वहाँ वो फ़ी अदा करेंगे और ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पर अपनी कंप्लीट करेंगे, ताकि वहाँ से वो रिक्वायर्ड स्किल हासिल करने के बाद अपनी जो है वो बावकार तरीके से आमदनी जो है वो हासिल कर सकें और माशरे में एक अपना ख़ास मकाम पैदा कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट जो डेकेड है, जो ग्रोथ है ECI की, आई सी दैट डिजिटली हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे होंगे। अभी ही अगर मैं देखूँ पिछले 3-4 साल में ECI ने डिजिटल स्किल्स में अपना नाम जो है वो पाकिस्तान में अच्छा इस्टेब्लिश कर लिया है फॉर द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, और मैं आगे भी यही देख रही हूँ कि ECI अपने आप को वेल स्टैब्लिश कर देगा, नॉट ओनली फॉर द कम्युनिटीज जिन्हें हम डिजिटल स्किल्स सिखा रहे हैं, बट ऑल्सो एट लेवल्स, जब जैसे हम बात करें कि जी डिजिटल स्किल्स फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, डिजिटल स्किल्स फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ वेयर आई वॉन्ट टू सी ECI इन द कमिंग डेकेड, कि हम लोग डिजिटली कोर्सेज अनाउंस कर रहे हों, कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हों फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मैं अगर बोलने पे आऊँ कि ECI को क्या क्या करना चाहिए, मेरे तो बहुत सारे सपने हैं, लेकिन अगर अल्लाह ताला ये सपने पूरे कर दे तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह और अल्लाह के महबूब का मैं शुक्र गुजार हूँ कि हमने ये 10 साल पूरी तवानाई से, पूरी ईमानदारी से गुजारे, और इंशाल्लाह अगले 10 साल भी ऐसे गुजरेंगे। शुक्रिया।